आज दलितों की, पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की दिवाली का दिन है। आज बाबा साहब आम्बेडकर ने जन्म लेकर के भारत के दलित, पीड़ित, शोषित सबको न्याय दिलाने का एक भगीरथ काम किया था। भारत को अनमोल संविधान देने में पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के संविधान ने हमें हर प्रकार के अधिकार दिए हैं, हर प्रकार से गरीब, पीड़ित, शोषित के लिए हक दिए हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी के साहजादे उनको पता नहीं क्यों बाबा साहब आम्बेडकर का आए दिन अपमान करने में आनंद आ रहा है। साहजादे जी बार बार बयान देते हैं कि कांग्रेस ने ये कानून दिया, कांग्रेस ने वो कानून दिया, कांग्रेस ने ढिकना कानून दिया। हमें जितने अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं। हमें जितने हक मिले हैं सब बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं। अगर कोई ये दावा करता है कि ये कानून उन्होंने दिया, ये अधिकार उन्होंने दिया, तो बाबा साहब आम्बेडकर का घोर अपमान कर रहे हैं। और इसलिए जिनको भारत के संविधान की सारी प्रक्रिया का पता नहीं है, वे आज राजनीतिक कारणों से इस प्रकार का क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। और देश जानता है बाबा साहब आम्बेडकर का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। भाइयों बहनों, आज का पर्व है, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें सिखाया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज भारत के कल्याण के लिए, बाबा साहेब के उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्प करें। मैं आदरपूर्वक, नम्रतापूर्वक पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर के श्री चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज 3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।